भारत 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़ सकता है। ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। पहले आपको बताते हैं क्या है पीडब्ल्यूसी यानी ग्लोबल इकोनॉमिक वॉच रिपोर्ट। पीडब्ल्यूसी ग्लोबल इकोनॉमिक वॉच रिपोर्ट एक लघु प्रकाशन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के रुख और मुद्दे पर गौर करता है, साथ ही ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर ताजा अनुमान प्रकाशित करता है। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ही स्तर के विकास और समान आबादी की वजह से इस सूची में ब्रिटेन और फ्रांस आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन यदि भारत इस सूची में आगे निकलता है तो उसका स्थान स्थायी रहेगा। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जल्द ही भारत के ब्रिटेन को पीछे छोड़ने की उम्मीद है। फिलहाल ब्रिटेन पांचवें स्थान पर है। पीडब्ल्यूसी की ग्लोबल इकोनॉमिक वॉच रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2019 में ब्रिटेन की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर 1.6%, फ्रांस की 1.7% और भारत की 7.6% रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और फ्रांस 2019 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे। इससे वैश्विक रैंकिंग में ब्रिटेन पांचवें स्थान से फिसलकर सातवें पायदान पर पहुंच जाएगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। यदि कोई बड़ी अड़चन नहीं आती है तो 2019-20 में भारत 7.6% की मजबूत वृद्धि के साथ लौटेगा। पीडब्ल्यूसी के वरिष्ठ अर्थशास्त्री माइक जैकमैन ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। बड़ी आबादी, अनुकूल जनसांख्यिकीय और प्रति व्यक्ति GDP के निचले स्तर की वजह से उसके तेजी पकड़ने की क्षमता भी अधिक है।